मैं संस्कारी हूँ। अरे आज घूंघट में क्यों? क्योंकि मेरी सास से सामने फेर के खाना खा। बाकी अभी मैंने कर ली है पूजा और मम्मी तो भी। ये देखिए हमारे घर के दो मरीज, पर वो देखो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अंजी राठौड़ व्लॉग्स। और थैंक यू, आप सभी आजकल व्लॉग्स पसंद कर रहे हैं और मैं भी आप लोग ऐसे आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं भी रोज़ कोशिश कर रही हूँ, डेली व्लॉग्स करती रहूँ। और मैं भी कमेंट्स पढ़ रही थी कल के, तो कल फिर किस सब काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आपकी छोटी वाली बहन है वो क्या करती है। आपकी बहन ने वैसे इसका आंसर मैंने बता दिया आपको, जो Q&A वाला वीडियो था वहाँ देख लीजिए। लेकिन वो एक काम और करती है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्या करती है। ये क्या है? पोचा। और ये है मूमल, वो ये भी करती है। ये तो उसका फेवरेट काम है। बाकी आज देखते हैं पूरा दिन क्या रहता है। मैं तो कर रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेकिंग न्यूज, आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज की ब्रेकिंग न्यूज। ये चीज हमारे घर में बहुत कम देखने को मिलती है। या सूरज कहीं और से निकला है कि ये लड़की किचन में है और वो भी चम्मच चला रही है, कुछ बना रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान, क्या देख लिया मैंने आज। और सुबह सुबह बिग बॉस भी देख रही है। देख रही हूँ, अरे ऐसे ढुल ऐसा। वो बने संस्कारी। इतने संस्कारी कैसे हो गए आप? मैं संस्कारी हूँ। अरे आज घूंघट में क्यों? क्योंकि मेरी सास से सामने फेर के खाना खा रही है। ओ मम्मी देख जाओ तो अब भाई ने भेज रहे हो आपका? नहीं हाँ, सावल भेज दो बस। तो ये प्यार आ जाए। व्लॉग में जाएगा? ये व्लॉग में नहीं जाएगा। क्या बनाया ये? तंदूरी। किस खुशी में? अंजलि जो देख रहे हो आपको बच्चों पर खुशी। मम्मी मंगूठे बना लिया बारी। क्या यार मम्मा यार। The next morning. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अंजी राठौड़ व्लॉग्स। थैंक यू इतने सारे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कनेक्टेड रहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि हम कमेंट्स में बात बात वगैरह सबकी होती रहती है। बाकी अभी मैंने कर ली है पूजा और मम्मी तो अभी ठीक हुए नहीं थे उससे पहले। हमारे घर में एक मरीज और हो गया, उमर भी बीमार हो चुकी है। तो अभी मैं बस पूजा करके आई हूँ। भाभी से की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मतलब ठंड वगैरह अभी थोड़ी ऐसे ही चल रही है। तो आप सब लोग भी अपना ध्यान रखिए। आप लोग देख रहे होंगे ये मेरी नेल पेंट इतनी स्पेशल ऐसी क्यों है। सो जिस दिन नहीं मेरे हस्बैंड आए थे, उनको शौक आ रहा था कुछ करने का, तो उन्होंने अपना नाम मेरे नेल्स पे लिख दिया। ये उन्होंने M लिखा है, जो A है वो A लग नहीं रहा है, MAN देन A, फिर से A नहीं लग रहा है, और ये V, तो वो ये मानव लिख के गए। देखो आप उनकी कलाकारी आई है। सो गाइस, लंच तो मैंने कर लिया था। मम्मी धूप में बैठे थे बाहर, तो मम्मी ने कहा थोड़ी देर धूप में आ जा बाहर, इसको भी बाहर आना है। नहीं, फिर मैंने खाना खा ही लिया है तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ अभी। तो आज हमारे बन रहे हैं हम सबके फेवरेट दाल ढोकली। इसकी रेसिपी मैं फिर से लेना भूल गई, डालूंगी ज़रूर आप लोग बोलोगे तो। ये यार थोड़ी सी बीमार है, लेकिन फिर भी जैसे आप लोग कहते हो ना, बिना मेकअप के भी अच्छी लगती है। तो आज भी बोल दो कि बिना मेकअप के अच्छी लग रही, ताकि तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए इनकी। अब हम भी ये बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाना पड़ता है इनको। ये हमारी ढोकलियाँ बन रही है, मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है, थोड़ी सी हो जाए तो मैं फटाफट से खाऊँ इनको। इसकी रेसिपी किस किस को चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, और काफ़ी लोग और किस किस को पता है कि इसकी कैसे बनते हैं वो भी ज़रूर बताना मुझे। ढोकली तैयार हो चुकी है, ये सर्दियों के हिसाब से भी एकदम गरम गरम खाने की चीज़ है। इसमें आ गया घी, बस 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 से और बुआड़ो है। ये देखिए हमारे घर के दो मरीज,
और वो देखो पीछे दवाइयाँ सजा रखी है, और इस रूम को इन्होंने ऐसे पेशेंट वार्ड बना रखा है इस रूम को। इसको बोलो और जिम जाए सुबह सुबह, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे जब बीमार होते हो जिम जाना चाहिए, ये इसका तरीका है। जिम जाने से लोग ठीक हो जाते हैं, इसको इसलिए बोलो जाए और जिम जाए। जिम नहीं छूटना चाहिए गाइस, कुछ भी छूटे। सो गाइस आज का व्लॉग बस इतना ही। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग काफ़ी छोटा था, बट एक्चुअली जैसे मैंने बताया आप लोगों को, पहले तो इतने दिन तक मम्मी बीमार चल रहे थे, तो फिर आज भाभी से की तबीयत ठीक नहीं थी, मुंह को भी बहुत फीवर हो गया। सो अभी सब ऐसे कुछ था ही नहीं कि ऐसा कुछ व्लॉग करूँ मैं, क्योंकि सब बीमार हो रखे हैं, तो ऐसे में क्या मैं व्लॉग्स बनाती क्या किसी को, मतलब वही है कि इन्हीं लोगों को तो लेती हूँ मैं पूरे दिन, और इसलिए। और फिर मैं ज़्यादा, आप लोगों को पता है कि मेरा बीमार अभी, मतलब मैं इनके ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती मेरी हेल्थ के साथ मैं इस टाइम पे। सो इसीलिए इतना व्लॉग नहीं किया। बाकी मुझे आप लोगों को बताना था, इससे व्लॉग से पहले जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने बताया है कि अगर आप में से कोई भी लोग जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर चाहते हैं कि आप अपना भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, तो उसकी सारी डिटेल्स, मतलब कैसे मैंने स्टार्ट किया था, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी, वो सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो अब भी जाइए और अब भी देखिए। मैंने उसमें सब बताया है कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी जो आपको नहीं करनी है, और आपको स्टार्ट करने के लिए क्या 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 पॉइंटर्स आपको यूज़ करना है, कैसे चैनल मोनेटाइज होता है, मेरी इनकम वगैरह जो भी क्या थी कैसे थी, वो सब मैंने आप लोगों को उसमें बताया है। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, अगर आपने वो वीडियो मिस किया है, तो अब भी जाइए और उसको देखिए। बाकी तो आगे कल व्लॉग करती हूँ मैं आप लोगों के लिए कल भी। आई होप ये सब लोग जल्दी ठीक हो जाए तो वापस से हमारी न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाए। और आप लोगों को वो सबसे ज़्यादा व्लॉग जो पसंद आया मुझे लगा, वो मारवाड़ी वाला जो व्लॉग था, सो वो जो वीडियो था वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन और करते हैं। उस दिन तो सिर्फ मैंने मारवाड़ी बोली थी, तो मैंने सोचा कि इस बार चैलेंज करते हैं कि मैं पूरे घर में सबको बोलने वाली हूँ कि सब सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ी में बात करेंगे। उस दिन घर में जो भी व्लॉग में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ी में ही बात कर रहा होगा। मारवाड़ी मतलब सिर्फ व्लॉग के लिए नहीं, हम पूरे दिन से मारवाड़ी में बात करेंगे, ताकि जो व्लॉग शूट हो तो ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ। तो ये आप लोग चाहते हैं मैं करूँ, तो जल्द से जल्द कमेंट करके बोलिए कि यस हमें ये मारवाड़ी व्लॉग चाहिए फिर से। तो अगर अच्छे से बहुत सारे कमेंट आएंगे तो मैं बहुत जल्दी वो वाला व्लॉग शूट करूंगी। बाकी आज का व्लॉग बस इतना ही, हमने देखा जैसे कि सब ऐसे ही अभी हो रहे हैं, तो बाकी कल व्लॉग करती हूँ नया। कल आई होप ये सब लोग ठीक हो जाए, थोड़ा एक्टिव हो तो व्लॉग में थोड़ी मस्ती हो। बाकी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।